और उस खरगोश दीदी का तो उसे उसका तो मैं एकदम मार के फेंक दूंगा। तो ये बोल रहा है कि आप भी पिज्जा बर्गर खा लीजिए बाबू का। आप घर पे भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। बस आटा लेना है और थोड़ा सा वेजिटेबल लेना है, बस बस ना मोबाइल में देख के सब बना लीजिएगा। अच्छा हाँ ठीक है। हेलो भाई, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं फर्स्ट व्लॉग बना रही हूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे फैमिली में कितने मेम्बर हैं। तो भाई मेरी फैमिली में मेरे दो बच्चे हैं और मेरी नंबर। तो भाई मैं अपने घर में मतलब अपने दिखाऊंगी, चलती हूँ गाइस लेके। ये मैंने अपने छत पे कुछ गमले लगाए, गमले में फूल लगाए थे। फूल तो बहुत ज़्यादा लगाए थे लेकिन गाइस घर बनने लगा तो फिर हटाना पड़ा। तो फिर 5-6 गमले रख लिए, एक तुलसी माता जी का और 4-5 गमले और फूल। गाइस हे गाइस, तो आप देख सकते हैं कि मेरा छत कितना नीचे है और मैं आगे का आपको सीन दिखा रही हूँ। फिर आपको मैं अपने घर के नीचे का भी दिखाऊंगी। बाहर का नज़ारा है, घर रोज हमारे घर के बाहर का यही सीन है गाइस, तो आप देख सकते हैं। और मैं आपको अंदर करवाती हूँ। ये दोपहर का समय है। ये बगल में स्कूल है हमारे घर के और ये हमारा घर है और हम लोग, ये आगे का छत था और हम लोग ये पीछे मैं जा रही हूँ। सो गाइस अभी हमारे घर में काम लगा हुआ है क्योंकि सब सामान इधर उधर सब बिखरा पड़ा हुआ है। तब गाइस जब देख रहे हैं इधर का सब, इधर का मेरा इतना तोड़ करके इतना सब बन रहा है तो सेटरिंग हो गया है। सो गाइस इधर भी हम लोग का हमारा रूम है, फिर उधर जाने में हमको बहुत दिक्कत होता है। तो फिर यहाँ पर हमने टेबल रख लिया, टेबल पर उस कमरे में हम हे गाइस। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। हे गाइस देखिए मेरा बाबू पिज्जा बर्गर बना दिया, देखिए कितना प्यारा प्यारा बनाया है। थोड़ा इनको भी देख लीजिए, बोल दो बाबू कि आप भी खा लीजिए पिज्जा बर्गर। आप भी खा लीजिए पिज्जा बर्गर मैंने बनाया है। और उस खरगोश दीदी का तो उसे उसका तो मैं एकदम मार के फेंक दूंगा। तो ये बोल रहा है कि आप भी पिज्जा बर्गर खा लीजिए बाबू का। आप घर पे भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। बस आटा लेना है और थोड़ा सा वेजिटेबल लेना है, बस बस ना मोबाइल में देख के सब बना लीजिएगा। अच्छा हाँ ठीक है।